गुना जिले की कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में एक परिवार द्वारा सल्फास की गोली लेकर पहुंचने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला आरोन इलाके के तमेली गांव का है। यहां रहने वाली नन्नी बाई बंजारा अपने ससुर पति और बच्चों के साथ मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची। यहां उन्होंने जमीन पर कब्जे संबंधी आवेदन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उनके खेत के पड़ोसी मेडिया कालूराम बंजारा, पटवारी उधम सिंह, पंचायत सचिव समेत अन्य लोग उनकी जमीन जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पट्टे की 11 बीघा जमीन पर भी खेती नहीं करने दी जा रही है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने इस संबंध में आरोन तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नन्नी बाई और उसका पूरा परिवार सल्फास की गोलियां लेकर पहुंचा था। उन्होंने कहा कि आगे कार्रवाई नहीं हुई तो सभी लोग जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। इसके अलावा सभी लोग अपने हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे जिन पर लिखा था न्याय दो या आत्महत्या की अनुमति दो। ले जा रहे हैं तो हम कभी न्याय करवाए नहीं, सल्फा से गोली खाक मारेंगे। मांग जमीन ले रहा है, हमारी जमीन न्याय करवाओ, न्याय नहीं करे तो पुलिस से बोल रहे न्याय करो, हमारा न्याय नहीं करवाएंगे तो हम गोली खाक मारे। हम जाते जो तो हमें मार भी पीट भी आते तेल डाल दिया हमारे ऊपर, जान से मार भी की धमकी दे रहे, जान से मार देंगे, खार देंगे, तुम्हें खेत भी मत जाना। वो भी गए तो लंबू को तेल डाल के आग लगा भी कोशिश करते हैं। कालराम पटवारी है, मंत्री है उधम सिंह और रामलाल सफाई है, दीपक है, लखन है। जमीन किसकी है? हमारी है जमीन, खाते की जमीन है हमारी।